और आज वाले माइनक्राफ्ट मोबाइल पर यस बिल्कुल अच्छा बिल्कुल रियल सच करो चाहे तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ माइंड पगला पागल माइंड पागल मैंने अभी अभी बनाया था तो मैंने एक लाइव ट्राई कर रहे थे मतलब मैं देखते रहता हूँ ना ऐसे यूट्यूब पे डॉगी गेमर चपाती गेमर वो बनाते रहते हैं ट्राई कर लिया तो देखिए कि वो वर्क करता है कि नहीं मेरे को तो पता है कि वो वर्क करता है बिल्कुल देख सकते हैं आज मुझे अपने पेट के बास्केट हैंड की ड्रेसिंग करनी है मैं इसे गर्म करके नीला करने वाला हूँ ताकि इसे एक यूनिफॉर्म कलर मिले जावा एडिशन जैसे तो कभी नहीं लगा वो बहुत जरूरी है क्योंकि इसके सामने की तरफ काफी मटेरियल होगा इसलिए प्लेट के पिछले हिस्से में काउंटर वेट होना ही चाहिए अगर प्लेट बैलेंस हो तो वो थोड़ा भारी भी चलेगा मैंने इसे काट दिया है क्वायर कर दिया है और अब इसे टैग कर रहा हूँ ताकि मैं इसे तलवार के टैग पर लगा सकूँ ये मैंने चाहा था वेट अ मिनट माइनक्राफ्ट के रखते हैं ये अच्छा नहीं अब मेरा दिमाग बिजली की तेजी से चल रहा है मेरे पास काम खत्म करने के लिए एक दिन से भी कम समय है रिक जेम हमारे जजेस ने फैसला कर लिया है कि आप दोनों में से कौन आगे जाएगा और टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस में मॉरिस मेटल वर्कर्स क्लास को रिप्रेजेंट किया और वो चैंपियन है तो मैं आपको बहुत ज्यादा आगे मैं जाता हूँ और वाले पे तो बिल्कुल बिल्कुल यस फ्लैट फोल्ड मैंने अलग से बनाया है तो मैं आपको दिखा रहा था हम हमेशा पहले मैं ले लेती हूँ स्टिक पिस्टल एक बात तो तय है कि किडनैपर ने आपको साहिबाबाद में ही कहीं छुपाया हुआ है पता ये लगाओ कि साहिबाबाद की कौन सी बिल्डिंग का इंटीरियर स्ट्रक्चर इससे मैच खाता है लेकिन सर साहिबाबाद तो यूपी में है तो क्या हुआ अब से हम सब सिविल ड्रेस में रहेंगे तो बटन भी मिल चुका है बहुत ज्यादा लंबा बनाने वाला हूँ इस बार और इस सारी जद्दोजहद के बीच पुलिस को उनकी खबरें द्वारा एक ऐसी जानकारी मिली जिसके लिए मानो पंखे मचाए बैठे थे पहली बार मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ और अगर आपको जानने की मैंने मोबाइल में फ्री में कैसे डाउनलोड किया ये तो इसके लिए मैं आपको एक ऐप रिकमेंड करूँगा उसका नाम है बता लो तो जल्दी से करो शेयर करो और लाइक करो वही दिन आपका ही फायदा चला तो ये हो चुका है बहुत सारा लंबा तब जी हमें रेडस्टोन रिपीटर स्टॉक एक बड़ा पीस है ये पार्ट से इसे काम करना ज्यादा आसान होगा हालांकि इसके वजन थोड़ा बढ़ जाएगा कर देना बिल्कुल फुल पे चाहिए ताकि ये ठीक से काम कर सके ये स्टेप ही है और स्टेप करेगा नहीं फुल पे नहीं बिल्कुल जीरो पे रख दो कुछ नहीं हो रहा बिल्कुल आराम से होने चाहिए हमने आपको 5 दिन का समय दिया था ताकि आप अपने होम पोज पे इस स्टॉक डेट को अपना डेट सेटिंग पे और यहां तो गाइस मैंने बहुत ज्यादा लंबा बना दिया है बहुत मजा आया सब अच्छा
बहुत ज्यादा मजा आएगी आएगा आएगी कुछ भी हो बड़ा आएगा। थोड़ी परेशानी तो हुई लेकिन काम करो। मैंने अपना प्लेट 5162 स्टील से बनाया है। इसका बास्केट स्टेनलेस स्टील का है और पॉमल है मार्ड स्टील का। दोस्तों उसका प्लेट बहुत ही खूबसूरत है और इन्हें कोई भी अपने घर की दीवार पर दूसरे ग्लास चैनल के साथ लगाना चाहेगा। लेकिन मॉडर्न मेटल स्मिथी ग्लास में कोई एक ही फोर्स इंसायर चैंपियन हो सकता है। बताता हूँ पता नहीं जो एक बार देख लो। ओके पहली बात इसमें ग्रेपियर वाला बैलेंस नहीं तो है। इसकी वजह से आज मैं माइंड कार्ड को नहीं बोट का यूज करने वाला हूँ। मेरी तलवार दिखने में कितनी भी अच्छी क्यों ना हो पर असली चीज तो होगी परफॉर्मेंस। तो गाइस अब ये हो चुका है। अब मैं चेस क्रूज बोट ये चार्ज सर पर है। इस तलवार का बैलेंस ऐसा है कि इसे चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो इसे फ्रस्ट करने पर ये अंदर तक मैं कर देता इसको तो गाइस मैंने ये कर लिया। नहीं मेरे को लगा मैंने कर लिया कोई बात नहीं थोड़ा सा ना रहे। ऑलराइट मेटल वर्कर्स आपके ब्रेक की स्ट्रेंथ और उसके ओवरऑल कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए मैं उनसे इन स्टील बकल्स पर अटैक करूंगा। गाइस मेरे को अब लग रहा है कि पछतावा हो रहा है इतनी लंबी बना दी मैंने। ये बकल्स आपके तलवार के जाना है तो ठीक आप तैयार हैं। ओए हो गया अब वो स्ट्रेंथ टेस्ट करने वाले और फाइनल टेस्ट अबे हटने ना और ये मैं देख रही हूं। गाइस देखिए क्या मजा आ रहा है। बुम बुम ऐसे नहीं लग रहा जैसे वो कान खजूरा होता है वो बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है। अच्छी तरह से बस थोड़ी बहुत चिपिंग हुई है। आऊं भी आऊं भी आऊं भी आऊं मेरे रूम की भी कंट्रोल एक बार मैं जाता हूँ नेदर में। तो देव पहली बात इस तलवार को करीब 20% छोटा होना चाहिए था लेकिन एक बात तो है रैंग ऑफ ब्लीडिंग का भी बना के देख यही चाहिए था क्योंकि इस तरह से मैं टिप को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसने कोई खास डैमेज दिखाई नहीं दे रहा है। इसने फ्लेक्स नहीं किया और फिर से पहले जैसी हो गई। वेरी गुड जॉब थैंक यू थैंक यू। ये है हमारा नॉर्मल जिससे कोई भी कुछ भी बना सकता है। कुछ भी
बन गया, उसको देखते हैं वो भी फ्लैट वर्ल्ड होएगा क्या। बैलेंस बहुत जरूरी है, उसे थ्रस्ट करना आसान हो जाता है, स्लैश करना आसान हो जाता है और चलाते समय हाथ में अच्छी तरह फिट होता है। ओवरऑल सर आपकी तलवार क्या बोलते हैं उसे ब्रिक टेल, हमारे जजेस ने फैसला कर लिया है कि आप दोनों में से कौन आगे जाएगा और टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस क्या बोलते हैं। ये जो प्राणी हैं इसके उत्तर ये शायद से ग्लिच हो गए होंगे बीच में। हथियार से तो उसके पुर्जों का जोड़ नहीं होता। सॉरी 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 पहले मैं वार्प पसंद वाला वो ले लूँ मशरूम। यही वजह आपके जाने की क्या करना क्या है। फीड 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 हम मेटल वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉरी भाई उन्होंने बेहतर तलवार बनाई जो है रेपियर, उन्होंने बेहतर रेपियर बनाई। बड़ा हो गया, बन गया मेरा पेट। सॉरी 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 भाग मत। मुझे भी अच्छी बात है। एक सेकेंड एक सेकेंड मैं इनको ब्रीड करवाता हूँ। बाला फीड 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 और तेरे को फीड अब जरा दूर हो जाएंगे। वाह बचा लिया निकल पहले फुर्सत में। इनका कलर देखो लावा में पिंक होता है और उसमें राजे।
क्या देगा भाई? इस बंदे ने कुछ ना कुछ कर दिया है। ब्लास्टोन ये तो कटी है। बर्तन हेलो गाइस, मैं आज आपको सिखाने वाला हूं इंफिनिटी सोर्स ऑफ बेरी टेलीपोर्ट कैसे हो गए। कुछ भी मतलब भाई यहां पर कुछ भी चल रहा है। रैंक ऑब्सिडियन देखे ये बंदा रैंक ऑब्सिडियन तो चमक कर रहा है। गाइस आपने लाइटनिंग देखी कितनी खतरनाक थी। तो गाइस ये सब तो हो चुका और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन्फिनिटी फोर्स हर एक चीज का। इसके लिए चाहिए मेरे को हॉपर। पहले मैं तो ये कितने साल से हम तुमने हर दुख को खुशी में बदल दिया, हर मास को हंसी में बदल दिया। मैं तो आपको एक फूल प्यार देती हूँ और आप कुछ मत बारिश की बारिश उठाते रहे। काफी है अब चाहिए मेरे को ऑक्सीडियन के जगह ग्लास और मेरा ग्लास चलेगा। जुडियो क्रिश्चियन परंपरा में देवी देवताओं को सबसे शक्तिशाली माना गया है, लेकिन वैदिक लेखों के मुताबिक हिंदू देवी का अक्सर टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते थे। इसे देखते हुए एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियरिस ने ये सवाल उठाया कि दिव्य शक्तियों से आमना सामना होने की नहीं बल्कि जीवों की बात कर रहे थे।
पश्चिम के देशों में लोगों की सोच भारत के लोगों से बिल्कुल अलग है। भारत में परदेशी जीवों पर यकीन किया जाता है। वहाँ भारत जैसे हिंदू मिथकों में भी कई परदेशी की गई है, जैसे कि उसमें उड़ने वाले वाहनों की चर्चा है और आवाज से चलने वाले हथियारों का जिक्र भी। और सभ्यताओं का विनाश ऐसे हुआ था जैसे कोई परमाणु विस्फोट हुआ। महाभारत में ऐसा लिखा है कि एक रोज विशाल शहरों ने पृथ्वी को पूरी तरह घेर लिया था। उस वक्त उनके पास अंतरिक्ष यान के लिए कोई शब्द नहीं था। उन्होंने उन यानों को ही शहर कहा था, मगर उन्होंने ये बात साफ साफ कही थी कि वो शहर आसमान में नहीं बल्कि भारत के प्राचीन लोग उन वाहनों को विमान कहते थे और उन विमानों से ही शिक्षक आते। जाहिर सी बात है वो शिक्षक ही परग्रही थे। क्या हिंदू मान्यता ही परग्रहियों के पृथ्वी पर आने की बात पर टिकी है? एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियरिस मानते हैं कि ये बात सही है और उनके मुताबिक इस सब के पीछे वो दिखाई शक्ति है जिसे हिंदू भगवान शिव कहते हैं। शिव हिंदू मान्यता के तीनों प्रमुख देवों में से एक है। वो देव है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिव को महादेव भी कहते हैं। महादेव का मतलब है सबसे बड़े देव। शिव सबसे बड़े देवता माने जाते हैं और सबसे शक्तिशाली। वो दो काम करते हैं, विनाश और दूसरा काम है सृष्टि का निर्माण। बिना विनाश के निर्माण नहीं हो सकता। शिव को विनाश और निर्माण करने वाला ट्रांसपोर्ट हो जा। उनके एक हाथ में डमरू नजर आता है जिससे वो ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उनके गले में निपटा नाग सभी हमला करने को तैयार रहता है और फिर उनके एक हाथ में विनाश का हथियार त्रिशूल भी है। और उन सबके अलावा उनके माथे पर तीसरी नाक भी है। शिव ऐसे नेता है जिनके माथे पर तीसरी नाक है। जब भी उनकी तीसरी आंख खुलती है उससे बहुत तेज रोशनी निकलती है और उससे निकलने वाली आग अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को भस्म कर देती है। आमतौर पर जब की बात होती है तो उसका मतलब होता है ज्ञान से, लेकिन उस तीसरी आंख का एक और मतलब भी है। वो आंख विनाश भी करती है और ये दोनों बातें एक तो नहीं हो सकती। अब सवाल उठता है कि वो आखिर और शिव क्या। शिव तब प्रकट हुए थे जब सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा और सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु के बीच ये बहस छिड़ी थी कि उनमें से ज्यादा महान कौन है। तभी वहाँ एक बहुत तेज रोशनी फैल गई और उस रोशनी का कोई ओर छोर नहीं था। उस रोशनी के अंदर से एक आवाज आई कि मैं हूँ सबसे महान, मैं हूँ सबसे बड़ा देवता। शिव को कई जगहों पर एक गोल घेरे के बीच में दिखाया गया है जिसके ऊपर लंबी जलती रहती थी। सवाल है कि जिस इंसान ने भी उसे बनाया होगा वो क्या दिखाना चाहता था। क्या वो किसी जलते हुए ज्ञान के अंदर थे? ये भी तो हो सकता है कि शिव असल में वही परग्रही हो जिन्हें दूसरी संस्कृतियों में अलग अलग नामों से बुलाया गया है, जैसे एंकी, ओडिस, जूज, विरापोचा, पर्जलकोटल, कुकुलकान। शुरुआती वैदिक लेख आज से करीब 4000 साल पहले लिखे गए थे। सभी पिछले कांगड़े मानते हैं कि वो कहानियां शायद उस वक्त से सैकड़ों या हजारों साल पहले की हैं और एक से दूसरी पीढ़ी तक सुनते सुनाते हुए पहुंची हैं। एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि शिव पृथ्वी पर पहली बार तब आए थे जब इंसानों का वजूद तक नहीं था और न ही टेलीपोर्ट कैसे हो जाते हैं। दुनिया की संस्कृति में कोई ना कोई लेख, दस्तावेज या किस्से कहानियों का ऐसा सिलसिला मिलता है जिनमें एक महाजल प्रलय या किसी ऐसी ही बहुत बड़ी आपदा की बात कही गई है जिसने पृथ्वी पर से एक ही दिन में
जीवन का करीब करीब अंत कर दिया था। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है कि भगवान शिव विनाश के देवता थे। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक विनाश के बाद ही निर्माण हो सकता है। क्या इनके बीच कोई रिश्ता है? तिब्बती लामा कहते हैं कि बाढ़ आई तो पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई थी, और फिर जब पानी कम हुआ तब बिल्कुल नए सिरे से मेरा गोल्ड लेके भग लिया। क्या हम ये कह सकते हैं कि शिव वो पर रही थे जो पृथ्वी के शुरुआती दौर में इंसान के विनाश और उसकी रचना के जिम्मेदार थे? और अगर ऐसा था तो क्या वो आज के साफ करना चाहते थे? मानते हैं कि हमें इससे जुड़े कुछ और सबूत पश्चिमी भारत के एक रहस्यमय मंदिर और उसके नीचे छिपी चीजों की जांच से मिल सकते हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि कैलाश मंदिर के नीचे पर्वतों का एक प्राचीन शहर बसा था? तो गैस आज के लिए कुछ ज्यादा हो गया, पर मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जाओ और सब्सक्राइब करो। तो मैं अभी बता रहा, अगर आपने सब्सक्राइब कर रहे या ना कर तो उस महान जीव का नाम है एसी मार्केट। एसी मार्केट आपको प्ले स्टोर पे तो नहीं पर गूगल पे मिल जाएगा, तो जाइए और उसे डाउनलोड कर लो भाई। उसका फोर्टनाइट जैसी भी गेम है आराम से मिल जाएगी। काइल मास्टर भी उसमें फ्री में है, और अगर आप उसे फ्री फायर या फिर पबजी डाउनलोड करेंगे तो डायमंड और यूसी मिल जाएंगे। इसकी गारंटी मैं तो लेता नहीं यूसी और डायमंड की, मैं ये गारंटी लेता हूँ कि डाउनलोड पक्का हो जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ और फिर बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।